पहली नजर के प्यार के सहारे शशि कपूर ने बिता दी पूरी जिंदगी। पत्नी ने छुपाया था जिंदगी का सबसे बड़ा राज। बॉलीवुड के सबसे दिग्गज अभिनेताओं में से एक शशि कपूर लंबे समय से बीमार थे, जिसके चलते उनका 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये तो सभी जानते हैं कि शशि कपूर पृथ्वीराज कपूर के बेटे और कपूर खानदान के सबसे ज्यादा उम्दा कलाकार हैं। इसके बावजूद उनके बारे में बहुत सी बातें हैं जिन्हें बेहद कम लोग ही जानते हैं, खासकर उनकी लव लाइफ के बारे में। शशि कपूर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि शशि कपूर अभी तक कपूर खानदान के ऐसे इकलौते शख्स हैं जिन्होंने विदेशी महिला से शादी की है। बिल्कुल इस तथ्य की तरह शशि कपूर की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प और खूबसूरत है। इसकी शुरुआत साल 1956 के उन दिनों में हुई थी जब शिश कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के कलकत्ता स्थित थिएटर में प्ले किया करते थे। बताया जाता है कि शशि कपूर का वो प्ले दर्शकों को इतना पसंद आया कि सभी ने उसे बढ़ाने की मांग की और हुआ भी ऐसा ही। इसी दौरान शशि कपूर कई दिनों से लगातार एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखते थे जो हॉल में सबसे आगे वाली लाइन में एक सीट पर बैठा करती थी। शशि कपूर को ये लड़की पहली ही नजर में भा गई थी, या यूं कहिए कि उन्हें इससे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जेनिफर केंडल ही थी। जेनिफर केंडल शेक्सपियराना कंपनी के मालिक की बेटी थी। इसके बाद शशि कपूर ने अपने प्यार का इजहार करने का मन बना लिया था, जिसके लिए उन्होंने अपने चचेरे भाई सुभिराज का सहारा लिया। दरअसल शशि कपूर ने उन्हें अपने पहले प्यार के बारे में बताया और मिलवाने के लिए एक मीटिंग रखने का प्लान बनाया। इसी के चलते उन्हें पहली बार जेनिफर से मिलने का मौका मिला। जैसा कि जेनिफर शशि का पहला प्यार थी, तो ये तो साफ ही है कि इससे पहले उनकी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं थी, जिसके कारण पहली मुलाकात के दौरान शशि कपूर काफी घबरा रहे थे। लेकिन जेनिफर क्योंकि इस बात से बेखबर थी, इसलिए इस मुलाकात के दौरान वो काफी नॉर्मल थी, जिसके कारण इस मुलाकात में शशि कपूर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए और यूं ही वापस चले आए। इसके बाद जेनिफर अपने दोस्तों और ग्रुप के साथ शशि कपूर के प्ले देखने आने लगी, जिसके चलते उनकी और शशि जी की मुलाकातें भी बढ़ने लगी थीं। इन्हीं मुलाकातों के चलते जेनिफर को भी शशि कपूर पसंद आ गए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उनके अफेयर के बारे में पता चलने पर परिवार वालों का कहना था कि उड़ने से पहले ही शशि कपूर के पंख बंद गए। शशि कपूर व्यवहार से काफी शर्मीले थे। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में शशि कपूर ने बताया था कि उन्हें जेनिफर का हाथ पकड़ने में भी काफी समय लग गया था। इस वाक्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था कि एक दिन वो जेनिफर के साथ लोकल ट्रेन में फिल्म देखने जा रहे थे। उस वक्त उनकी कमाई काफी कम थी, जिसके कारण वो दोनों लोकल ट्रेन में ही सफर किया करते थे। इसी सफर के दौरान शशि कपूर ने जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जिया। दरअसल हुआ यूं कि ट्रेन में काफी भीड़ थी और अचानक झटका लगा, जिसके कारण जेनिफर को संभालने के लिए शशि कपूर ने उन्हें थाम लिया। शशि कपूर ने अचानक से जेनिफर को पकड़ तो लिया, लेकिन वो इतना शर्मा रहे थे कि समझ नहीं पाए कि छोड़े या नहीं, क्योंकि वो तो जिंदगी भर जेनिफर के हो जानना चाहते थे। उन दिनों शशि कपूर की कमाई इतनी कम थी कि वो जेनिफर को गाड़ियों में घुमाना तो दूर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में भी नहीं ले जा पाते थे, इसलिए वो आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। इसके बाद एक दिन उनके बड़े भाई शमी कपूर ने उन्हें जेनिफर को घर बुलाने के लिए कहा। परिवार की डांट के डर से शशि कपूर जेनिफर को अपने घर तो न ले जा सके, लेकिन वो उन्हें अपने भाई शमी कपूर के घर ही ले गए। शमी कपूर की पत्नी गीता को तो जेनिफर पहली ही नजर में इतनी पसंद आ गई कि वो शशि कपूर को अपनी गाड़ी और पैसे भी देती दे देती थी, ताकि वो जेनिफर के साथ अच्छा वक्त बिता सकें। लेकिन शशि कपूर का शर्मीला व्यवहार जेनिफर को बहुत बुरा लगता था और वो इससे काफी परेशान थी। इसी कारण एक दिन जेनिफर ने शशि कपूर से बेबाकी से कह दिया कि तुम मुझे इतने वक्त से जानते हो और कभी मेरी तरफ कदम नहीं बढ़ाया, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। इसके बाद तो जैसे शशि कपूर में एक नया जोश पनप आया हो। जेनिफर के ऐसा कहने के बाद उन्होंने भाई शमी कपूर से कहा कि वो पिताजी से इस बारे में बात करें और उन्हें मनाएं। काफी मुश्किलों से उन्होंने अपने पिता को मनाया, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर नहीं चाहते थे कि उनके घर में विदेशी महिला बहू बन कर आए। लेकिन अंत में वो बेटे की खुशी के लिए इस शादी के लिए तैयार हो गए। बात आई जेनिफर के पिता पर, तो जेनिफर बेटी के साथ साथ उनके प्ले की हीरोइन भी थी, जिसके कारण उन्होंने शादी के लिए करीब 2 साल का समय मांगा। 2 साल को जैसे तैसे शशि कपूर में काट लिए। समय पूरा होने के बाद शशि ने जेनिफर से पिता से उनकी बेटी का हाथ मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। पिता का ये रवैया देखते हुए जेनिफर ने शशि कपूर से साफ लफ्जों में कह दिया कि वो मैच्योर हैं और अपनी मर्जी से उनसे शादी करना चाहती हैं, भले ही उनके पिता इसके खिलाफ हों।
इसके बाद साल 1958 में मुंबई आकर शशि कपूर ने जेनिफर के साथ भारतीय रीति रिवाजों से शादी कर ली थी। बताते चलें कि जेनिफर शशि से उम्र में तो बड़ी थी ही, साथ ही उनका हर तरह से ख्याल भी रखती थी। जेनिफर शशि को शराब से दूर रखना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था कि शराब घर टूटने का सबसे बड़ा कारण होती है। इतना प्यार और ख्याल रखने वाली जेनिफर ने शशि कपूर से अपने जीवन का सबसे बड़ा राज छुपाया। दरअसल जेनिफर को कैंसर था जिसके बारे में उन्होंने शशि को कभी भनक तक नहीं लगने दी। शशि कपूर को इस बारे में बताए बिना ही उनके थिएटर के लिए काम करती रहीं, जिसके बाद 7 सितंबर 1984 को कैंसर के कारण उनका निधन हो गया था। पहली ही नजर में जेनिफर को दिल दे बैठे शशि ने उनके निधन के बाद अपनी जिंदगी में ये ओहदा किसी को नहीं दिया और अपनी पूरी जिंदगी जेनिफर के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद कर बिता दी। अंत में आपको बता दें कि शशि और जेनिफर के 3 बच्चे हैं, कुणाल कपूर, करण कपूर, सनजना कपूर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।